साहब, ये बहुत बढ़िया कविता मंजू जी लिखती हैं और इतना बढ़िया पढ़ती हैं। एक 8 पंक्तियों की कविता आपको पहले सुनाता हूँ, फिर इससे समापन करूंगा। कि इन्होंने एक बहुत बढ़िया कोई बात कह दी, तब मुझे याद आई मेरी एक कविता। मैं बहुत हास्य व्यंग के लिए लोग मुझे जानते हैं, पूरी दुनिया में मैं बुलाया जाता हूँ, लेकिन मैं अंदर से क्या हूँ, जिंदगी का कुछ समय मधुमास होना चाहिए और कुछ कांटों भरा वनवास होना चाहिए। एक ही रस से भरा जीवन कोई जीवन है क्या, एक क्षण हो तृप्ति का एक प्यास होना। हंसने की हम तदबीर रखते हैं, मगर ये झूठ है कि सुख की हम जागीर रखते हैं। तुम्हारे दिल में है जो दर्द, ना केवल तुम्हारा है, हम अपने दिल में भी इस दर्द की तस्वीर रखते हैं। एक कविता मैं सुनाता हूँ 1-2 मिनट की, जो कलम पर लिखी गई है, आप सुनिए आपको पता चलेगा। मैं कलम हूँ, लेखनी हूँ, भेद मन के खोलती हूँ, पहुंच जाती हूँ हृदय तक जब हृदय से बोलती। मैं कलम हूँ, लेखनी हूँ, भेद मन के खोलती हूँ, पहुंच जाती हूँ हृदय तक जब हृदय से बोलती हूँ। संत कवियों की धरोहर कृष्ण की गीता बनी, वाल्मीकि के करों में राम की सीता। मुझे कभी सोने कभी चांदी में मढ़ा गया, मेरा लिखा महलों से लेकर झोपड़ियों तक पढ़ा गया। मैं कभी प्रेमी के हृदय का गान हुई, कभी प्रेमिका के वियोग की तान हुई, कभी माँ की दुआ बहन का प्यार हुई, तो कभी जनता को जगाने का हथियार। फूलों सी कोमल हूँ, चंपा की डाली हूँ, नौब्याही दुल्हन सी प्यारी मतवाली हूँ, लेकिन जब जंग छिड़े आंखों में तेल डाल सीमा पर से। फूलों की डाली हूँ, मतवाली हूँ, लेकिन जब वक्त पड़े हाथों में शस्त्र लिए लड़ने को आतुर मैं माँ दुर्गा। चैन हो अमन हो तो प्रेम गीत गाती हूँ, लोरी की थपकी दे सबको सुलाती हूँ, लेकिन जब जंग छिड़े आंखों में तेल डाल सीमा पर सैनिक को मैं ही जगा। सुख भी मैं लिखती हूँ, दुख भी मैं लिखती हूँ, पर सब कुछ लिखकर भी निर्विकार दिखती हूँ। मैं कलम हूँ, लेखनी हूँ, भेद मन के खोलती हूँ, पहुंच जाती हूँ हृदय तक जब हृदय से। जब भारत में हुई तबाही और मुल्क परतंत्र हुआ, बच्चा बच्चा अंग्रेजों का सेवक मानो यंत्र हुआ, तब जन जन को जागृत करने हेतु सृजित मेरे द्वारा वंदे मातरम जैसा पावन अद्भुत भीषण मंत्र। उस मंत्र को सीने से लगाए लाखों जियाले अपने परिवारों को भूल गए, भारत माता की जय बोलकर फांसी के फंदे पर झूल गए। कहते हैं जब 23 साल के भगत सिंह को फांसी की सजा देने के बाद न्यायाधीश के हाथों मेरी नोट टूटी थी, तब दूर गांव में भगत की मां की छाती से दूध की धार। जब पद्मावती के लिखे चार अक्षरों के साथ हुमायूं ने राखी का धागा पाया था, तो विधर्मी होते हुए भी शीश कटाने दौरा चला आया। क्योंकि मीरा की तान में, सूरा का गान में, तुलसी की बोली में, प्रस्थान में, शब्दों की शान में, भावों का थान में, कल्पना उड़ान में, मोहक मुस्कान में, यश अपयश और हार जीत की गाथा कहती रहती हूँ, तुम्हें क्या पता किन किन धाराओं में बहती रहती। लिखना हो तो सत्य लिखो, बेकार कालिमा मत लिखना, जो रक्त बहा दे सड़कों पर रक्ता लालिमा मत लिखना। मेरे द्वारा है रचित वेद, मेरे द्वारा गीता कुरान, मेरे द्वारा उपनिषद गढ़े जाते हैं, बनते हैं पुराण। अब मेरे द्वारा तुम टीवी के गंदे दृश्य नहीं लिखना, जो शब्द बोलने में आए लज्जा स्पृश नहीं लिखना। लिख सको अगर तो लिखो वही जिससे जग में उजियारा हो, जिसको पढ़कर भारत झूमे जग का सिरमौर दोबारा हो। तुम प्रेम लिखो, विश्वास लिखो, कर दो जो त्वरित विकास लिखो, न उठा लेखनी नौकर से भारत का नव इतिहास।